कहते हैं कि बदनाम करने में एक मिनट लगता है लेकिन इज्जत बनाने में सदियों लग जाती है। मौजूदा वक्त में हमारा देश एक ऐसी ही जंग लड़ रहा है जो बदनामी और इज्जत की उस दहलीज पर खड़ा है जहां हमारा निजाम हर एक दिन देश का मजाक बनाने में लग रहा है। हम यहां किस मजाक, इज्जत, बदनामी की बात कर रहे हैं, इस खबर में आप यही जानेंगे। स्वागत है आपका द नगरी न्यूज में, मैं हूँ गरिमा गौर। देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के इंचार्ज अमित मालवई के एक ट्वीट ने फिर से चर्चा के साथ विवादों को जन्म दे दिया है, जिससे लगता है कि हमारी राजनीति विवादों के बिना चल ही नहीं सकती। इस ट्वीट में अमित मालवई ने कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता रहे स्वर्गीय राजेश पायलट पर वर्ष 1966 में मिजोरम में बम गिराने का जिक्र किया है, जिसके बाद से इस ट्वीट पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भड़कते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी और अमित मालवई से माफी मांगने को कहा है। इस कड़ी प्रतिक्रिया में सबसे पहला जवाब सचिन पायलट का आया, जो कि राजेश पायलट के बेटे हैं और कांग्रेस के बड़े नेता भी हैं। सचिन पायलट ने अमित मालवई के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उन्हें काल्पनिक, तथ्यहीन और भ्रामक करार दिया है। दरअसल मामला ये है कि भाजपा आईटी सेल के इंचार्ज अमित मालवई ने एक ट्वीट में लिखा, राजेश पायलट और सुरेश कलमाडी भारतीय वायुसेना के उन विमानों को उड़ा रहे थे जिन्होंने 5 मार्च 1966 को मिजोरम की राजधानी आइजोल पर बम गिराए थे। बाद में इन दोनों को कांग्रेस पार्टी के टिकट पर सांसद और सरकार में मंत्री भी बनाया गया। अमित मालवई के स्वर्गीय राजेश पायलट को लेकर किए गए ट्वीट पर राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने उनके आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि स्वर्गीय वासी राजेश पायलट 29 अक्टूबर 1966 को भारतीय वायुसेना में कमीशन हुए थे। यह कहना है कि उन्होंने 5 मार्च 1966 में मिजोरम में बमबारी करी थी काल्पनिक है, तथ्यहीन है और पूरी तरह से भ्रामक है। पायलट ने आगे ये भी कहा कि राजेश पायलट 80 के दशक में एक राजनेता के रूप में मिजोरम में युद्ध विराम करवाने और स्थायी शांति सिंध स्थापित करवाने गए थे और इसमें उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभाई थी। इस ट्वीट विवाद ने कांग्रेस और भाजपा ने देश की राजनीति में एक और बहस को जन्म दे दिया है। आगे इस बहस में क्या होता है, यह जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।